कर रहे भाई? अरे कहाँ लेके जा रहे मुझे? अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। क्यों लेके आ गए? बैंड बाजे से लेके आते, फुप्पा लग गया है तुम्हारा, हैं? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? भूल नहीं, करतूत। करतूत? हाँ करतूत, और ऐसे करतूत पे तो गोली से उड़ा दें स्वीट मैन। पता नहीं तुझे यह आया हुआ करतूत, देख अब जटते फैसला कर ले, अंगूठा लावे है या दूं तेरा सर इस कोल्लू में। अगर ये जमीन मैंने तुम्हारे नाम कर दी तो हम लोग खाएंगे क्या? भगवान के लिए माफ कर दो, हम लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो अब कौन सा तेरे मंगल ग्रह पे जहाज खड़े हैं? पैसे दे रहे थे तुझे, तूने लिए नहीं ना। वैसे भी साल दो साल बारिश ना हुई तू फांसी खा के मरेगा या गोली मार लेगा। लेकिन मैं इसमें दस्तखत नहीं करूँगा। अबे ओ कृषि दर्शन, तुझे यहाँ हैंडपंप लगवाने लाए हैं क्या? जल्दी से साइन। हाँ बस सबर कर ले, तेरा ही इंतजाम कर रहा हूँ। अरे बस भी कर बेटा, इसे ऐसे ही पीटता रहेगा और इसकी सांस निकल गई तो फिर क्या कर लेंगे हम? भीम सिंह का तुत्ता है ये, हाथ पैर तोड़ने से ना मानेगा। जिसके घर पे जवान लौंडिया बैठी हो उसे ऐसे मारा पिट्टा करते हैं क्या? जाओ इसकी लॉन्डी को ठाके लाओ। अबे फिर वही बदतमीजी वाली भाषा हमेशा, ठालाओ कपड़े फाड़ दो रेप कर दो। भाई इज्जत से लेके आना, ट्रैक्टर पर बिठा के। रुको रुको, भगवान के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अब तो इन्हें तेरे दस्तखत ही रोक सकते हैं मोहनलाल। हेलो ले जा। बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत भला आदमी था मोहनलाल, मेरी बहुत इज्जत करता था, पर ये हुआ तो हुआ कैसे? ये तो तुझे ही पता होगा। है? मैं ज्योतिषी हूं या मैं फरिश्ता हूं? मतलब क्या है तुम्हारा कहने का, क्या कहना चाहते हो? तुझे मोहनलाल की जमीन चाहिए थी ना। अच्छा, ऐसे तो पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, दे दिया हिंदुस्तान ने। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6 महीने पहले ही मोहनलाल बेचारा मुझे अपनी जमीन दे चुका। कागजात दिखाऊं? प्रधान है आप गांव के, जिम्मेदारी बनती है आपकी कुछ? अरे ऐसे कैसे कोई भी आत्महत्या कर लेगा गांव में। ये हाथी वाले दांत हमें मत दिखाइयो जोधा सिंह, मैं तुझे आज से नहीं जानता। इतना ही पता है तो अपनी औकात में रह के बात कर, नहीं तो प्रधानगिरी निकालने में ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। पुलिस का काम है, पुलिस अपने आप निपटा लेगी। पुलिस भी तो आपकी ही जेब में रहती है जोधा सिंह जी।
हमारी जेब की तरफ झांकने की कोशिश मत करो भीम सिंह जी, हमारे पास तो और भी बहुत लंबी लंबी जेब है। चलिए पीछे हटिए, रास्ता दीजिए, चलिए। वरना आप जानते हैं सयाना कौवा कहाँ बैठता है। क्या बात होगी जोधा सिंह जी, क्यों प्रधान जी पे गर्मी खा रहे हो? अरे तेरा प्रधान बात ही ऐसी करता है, कहता है पुलिस मेरी जेब में रखी, अब सोच ले तू, तू मेरी जेब में पड़ा है। अजी हाँ, पुलिस को इतना बड़ा थाड़ा छोटा पड़ रहा है, क्यों किसी के जेब में रहेगी? आप भी प्रधान होके ऐसी बातें करोगे तो गांव वाले क्या खाक इज्जत करेंगे हमारी? अरे चलो भाई, अरे चलो 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 पुलिस आ गई, अरे चल चलिए। रोक रोक, दिखना रहा है चेकिंग चल रही है। अरे जहा, ये जोधा साहब का ट्रक है, जाने दो, चलो चलो आगे बढ़ो। अरे समझाइए सर इस पागल को, जोधा सिंह के ट्रक को रोक रहा है। अरे नहीं नहीं, वर्दी पहनी है, चमक तो मारेगी, थोड़ी महली होने दे, अपने आप नैन पे आ जाएगा। सही कहा सर, सही कहा। जा रे, इसे दिखा अपनी वर्दी की चमक। ए रोक रोक रोक, तुझे देख नहीं रहा है चेकिंग चल रही है। किस बात की चेकिंग चल रही है? अब तेरे को भी बोलना पड़ेगा किस बात की चेकिंग। जानता नहीं है क्या मुझे? तू अमिताभ बच्चन है जो तुझे जानू? मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं हूं, लेकिन तू चुलबुल पांडे बनने की कोशिश जरूर कर रहा है। अरे क्या बात है, क्या मुकदमा चला रखा है? सर मैं सिर्फ इससे ये पूछ रहा हूँ कि किस बात की चेकिंग चल रही है। दरअसल मैं यहाँ के प्रधान भीम सिंह जी का बेटा हूँ। तो सलूट करूँ तुझे या तेरी आरती उतारूँ? और तेरा बाप प्राइम मिनिस्टर है, सवेरे से शाम तक बहुत देखे ऐसे प्रधान वरधान। चल लाइसेंस दिखा। आपने ड्यूटी पे शराब पी रखी है? मैंने तो चाय बोली थी, ये दारू ले आया, क्या करूं पी नहीं पड़ी। क्यों सस्पेंड करवाएगा? लाइसेंस दिखा। अरे लाइसेंस दिखा दे। तो ये जो दिया था ये मेरी शादी का कार्ड था क्या? तूने देखा इसने कुछ दिया? नहीं साहब। और तूने देखा? नहीं साहब। लाइसेंस भी ना है तो गाड़ी के पेपर दिखा दे। हैं? लाइसेंस भी ना है, गाड़ी के कागजात भी ना है, और ऊपर से पुलिस को कानून झाड़ रहा है। अरे यादव इसकी गाड़ी जब्त कर ले। जी। आज इसको घर पैदल जाने दो। ड्यूटी इंस्पेक्टर पे हाथ उठाया? मैंने हाथ उठाया? उठाया क्या? मैं चाहूं तो ऑन ड्यूटी शराब पीने पर आपकी वर्दी भी उतरवा सकता हूं, लेकिन क्या है ना, हमारे मुजफ्फरनगर में कुत्तों के पेट पे लात नहीं मारी जाती। कुछ ज्यादा ही कानून जाने हैं। कानून तो जाने हैं पर ये न जाने हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। देव भैया आ गए, देव भैया आ गए। सलाम। ओए बदमाश, क्या हाल है तेरे? ठीक हूँ भैया। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। टनांग। ये। इप। बाऊजी,
नमस्ते। आजा जीता रहा, बहुत देर लगा दी आने में। अरे बाबू जी, आपको पता तो है रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े हैं ना, टाइम लग गया। माँ। अरे मेरा बेटा। छोड़िए सब, बैठ। कैसे बैठ हो मेरे आप? सामने। ये क्या हो गया तुझे? क्या हुआ? दिल्ली में ठीक से खाना पीना नहीं खाता था क्या? अरे देखो तो कितना दुबला पतला हो गया है। हाँ तो जब गया था तो कौन सा दारा सिंह था ये, है ना? आप है ना, हमारे माँ बेटे के बीच में कुछ मत बोला करो। हाँ। अरे आप दोनों फिर शुरू हो गए। बेटा तू एक काम कर, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए देसी घी के गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ। सच में बहुत भूख लग रही है। चलो चलो चलो, 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 चलो अंदर चलते। और बेटा कैसा चल रहा है तेरा वो शूटिंग का कोर्स? बस बाबूजी, वो 500 मीटर रेंज का कोर्स तो कंप्लीट हो गया है। हाँ। अब 3 महीने बाद नेशनल्स है, उसी की चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। अब यहाँ आ गया तो थोड़ा यहाँ का भी धंधा देख। जी बिल्कुल। और अपने अर्जुन को देख, 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बन के अपने देश का नाम रोशन कर चुका है। अब मैं चाहूँ कि आने वाले ओलंपिक में तू भी निशानेबाजी का चैंपियन बने और अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करे। यो, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, जी तोड़ मेहनत भी करनी पड़ती है। करूंगा ना बाबूजी, बिल्कुल करूंगा। राम राम प्रधान जी। अमा वसीम मियां कहां गए हुए यार? भाई जान पंप ठीक करा रहे थे। ओ भाई कैसे? पंप ठीक करा रहे थे यार, कुछ और। हां देव जी। बाबू जी, ये दूरबीन को आंखों पे लगा के क्या देख रहा है भाई? नहीं नहीं, वो फसल देख रहा था, पककर तैयार हो गई है। ऐसे समय में फसल को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ संभाल संभाल लियो, कटाई की मत सोच लियो अभी। जी बाबू जी। अमा वसीम मियां, एक बात बताओ यार, अपने गांव में ढंग की बस सुविधा तो है ना, फिर ये मेट्रो कब से चलने लगी? अरे ट्रैक में लड़कियां? आपका हुमर भी गजब का है देव भाई, ये मेट्रो ना है तो? ये तो सरकार की योजना है। अच्छा, मतलब सरकार भी अब दिल लगी पे उतर आई है? ना ना, ये तो यूपी पुलिस में लेडीज की भर्ती चल रही। अच्छा अच्छा, उसी की प्रैक्टिस चल रही होगी बस। तो एक काम कर, चल साथ में चल मेरे। अंधा है, दिखाई नहीं देता। लगता है इसको सुनाई भी नहीं देता है। ना जी, क्या है ना कि जब से इनको देखा है ना, दिखाई देता है ना सुनाई देता है। बदतमीज। अरे हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? ना जी, आप लोग मेरे आगे आगे चल रहे हो। अच्छा, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत ना है। छोड़ो यार, जाओ। ना जी ना, लेडीज फर्स्ट जी। ओए, तू तो इसी गांव का है, ये किस गांव का है? ओ जी, मैं भी इसी गांव का हूँ। अच्छा? हाँ। नाम क्या है तेरा? देव मलिक नाम है मेरा, लेकिन प्यार से आप मुझे देव बुला सकती हो। देव भाई शहर में रहते हैं हमारे। गाँव में पहले से ही इतने मवाली पड़े, इसकी ही कमी थी। ओ जी मवाली ना हूँ मैं, ग्रेजुएट हूँ ग्रेजुएट। इतना मैं पूरे 10,000 रुपए देके पास हुआ हूँ मैं। तभी तो इतना होशियार है, तमीज भी नहीं है बात करने की। हाँ, तो तुमने कौन सा लाख दो लाख दिए? मैंने कोई पैसे वैसे नहीं दिए, अपनी मेहनत से पास होती आई हूँ। मेहनत? ना जी ना, मैं ना मानूं। हम सच बोल रहे हैं। अच्छा, फिर नाम बता अपना। सारा। अच्छा अच्छा, गांव का नाम क्या है? गांव मोरना। अच्छा, पिताजी का नाम क्या है भाई? रफीक। सारा इसे कुछ मत बताना, बहुत चालाक है। अरे ये तो कोई अनपढ़ भी बता देगा, इसमें पढ़े लिखे वाली क्या बात हो गई। एक काम कर, अपना फोन नंबर बता अंग्रेजी में। 9787000483। क्या बात है, तू
तो चल हाँ, सारा चल। अबे नंबर दे। नंबर लिख लो फटाफट, भूल जाऊंगा मैं। 9787 क्यों नंबर दिया उसे? अब तुझे ना बार बार फोन करके परेशान करता रहेगा। आइंदा इस बदतमीज से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या जरूरत थी उससे बात करने की? अरे मैंने कौन सा उससे असली नंबर दिया है? सारा इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि किसी को भी अपना नंबर दे दे। हेलो डार्लिंग, पहचाना? यार मैं मैंने समझ नहीं कि इतने से फोन मत कर, दिल अब फोन कल मेरा कुछ मैड मत ना है, नाम में फोन कट वन में दिल है फोन। हेलो, अरे ताओ गलती हो गई, रख रहा हूं फोन। पेंगड़ पेंगड़ पेंगड़, ये कौन सी भाषा बोल रहा था? अच्छा चेप गई मुझे, ठीक है